मेरी पैकिंग हो गई है, तुम भी जल्दी अपनी कर लो, लेट्स गो। नहीं राहुल, मैं नहीं करूँ। मौली तुम इस तरह मुझसे। राहुल प्लीज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं लंदन नहीं जाऊंगी और ऐसे लड़ झगड़ के तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी राहुल, नो चांस। मौली मॉम की ये हरकतों के बाद भी तुम इस घर में रहना चाहती? मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सोच के कि वो ऐसा कर भी कैसे सकती है। रियली इतनी बुरी है वो? फिर तो उन्हें तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए था ना जब तुम क्लास 8 में फेल हुए थे। पर उन्होंने क्या किया था राहुल? उन्होंने तुम्हें विजय ताऊ जी के डांट से बचाया था, तुम्हें मोटिवेट किया था, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाई थी उन्होंने। और तुमने ही बताया था ना मुझे कि अपने शरारत की वजह से तुम्हें स्कूल से 2 बार सस्पेंड किया गया था। तब उन्होंने स्कूल के मैनेजमेंट टीम को मनाया था ताकि उनके बेटे की फ्यूचर खराब ना हो। इतनी सारी गलतियां की है तुमने बचपन में राहुल, उन्होंने सारी गलतियों को माफ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, तुम्हें तो नहीं छोड़ा। और तुम उन्हें उनकी एक गलती की वजह से छोड़ दोगे? राहुल तुम एक बात ना याद रखना, मैं मम्मी के आशीर्वाद लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर तुम जाना चाहते हो ना तो तुम जा सकते हो, यू आर ऑल फ्री। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें मॉम की पड़ी है? क्योंकि मेरी माँ नहीं थी ना राहुल, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे दोनों पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, दोनों पेरेंट्स का तुम्हें प्यार मिला। प्लीज राहुल उनके होने की इंपॉर्टेंस और उनकी वैल्यू को समझो। अरे स्पैम कॉल। अरे भाई जब फोन काट दे तो समझ जाओ ना कि स्पैम कॉल वाले से बात नहीं करनी है, तो बार बार क्यों फोन कर रहे हो? अबे चुप। जो कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे ये सब काम करते हुए? जो किया है ना वो अपराध है और उसकी सजा तुझे जरूर मिले। गलत हेलो हेलो कौन बोल रहे हो भाई? देख अब तेरी सच्चाई सबको पता चलेगी। हेलो मैंने क्या गलत कर दिया? तेरी दुश्मन नहीं हूं मैं राहुल, तेरी माँ हूं और उल्टा तेरी भलाई चाहती हूं। प्लीज उस मौली के चंगुल से निकल जा। लड़की मेरा बेटा छीन के ले गई, ये गोद में पला बड़ा मुझसे ही नफरत करने। नहीं जा रहा मैं लंदन। सच्ची नहीं जा रहा? पता ही था मुझे, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता कहीं भी। मैं सुबह से कुछ नहीं कर रहा, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो मेरे सामने रहेगा ना तो मेरी हेल्थ बीपी सीपी सब ठीक रहेगा, तो मुझे छोड़ के मत जाए। आपके सामने मुझे मौली लेकर आई है मॉम, लंदन ना जाना भी सिर्फ उसी का डिसीजन। उसने मुझे बताया कि अगर आपको छोड़कर गया ना
मैं हमेशा परेशान रहूंगा। मैं मानू या ना मानू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। I love you, मां। I love you too। अब मैं इसी घर में रहकर मौली का साथ दूंगा। Just because हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा रिश्ता टूट जाए। अब हमारा रिश्ता तो राम जी भी नहीं तोड़ सकते। मेरे लिए मौली का डिसीजन और उसकी खुशी सबसे ऊपर। प्लीज मॉम, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। राहुल प्रॉमिस करो, तुम रोहित से सिर्फ बात करोगे, वो भी शांति से। ये घटिया हरकत कौन ने की? रोहित ने की है। मेरा भाई अगर ऐसी गलती करे तो उसे सजा मिलेगी। कहाँ? किधर? राहुल क्या? इसकी तो राहुल आज तो ये लड़का गया। राहुल रोहित राहुल प्लीज प्लीज स्टॉप। राहुल क्या करो, जान लोगे अपने भाई की और ऐसे मारने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? प्रॉब्लम तो सॉल्व आप बैक करेंगे। जा रहा हूँ इसकी करतूत बता रहे। कुछ बता दो, वो मुझे यूएसटी भेजेगी, मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आपको मुझे मार देना, आप मुझे मारो। यू हिट मी, यू हिट मी, यू स्लैप मी, यू स्लैप मी, यू डू व्हाटएवर। रोहित एक मिनट, एक मिनट प्लीज। कुछ बता दो, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। आई प्रॉमिस पार्टनर, आई स्वेयर टू गॉड ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। फाइन, तो अभी मेरे साथ जाकर उस लड़की को सॉरी बोलो। मैं चलूंगा आपके साथ। बस राहुल और रोहित आ जाए माफी मांग के। राहुल रोहित कहाँ रह गया? सब ठीक से हो गया ना? हाँ, तुम लोगों ने उनसे बता दिया ना कि मैसेजेस गोलू ने नहीं रोहित ने किए थे, और उन्होंने कोई कंप्लेंट तो फाइल नहीं किया ना? हाँ, कुछ बोलो। और तुम रोहित को साथ लेकर गए थे ना माफी मांगने के लिए, रोहित कहाँ रह गया? राहुल मैं कुछ बात कर रही हूँ तुमसे, प्लीज बिहेव सेंसिबली। तुम रोहित को कहाँ छोड़ के आए? और उन्होंने रोहित के साथ तो कुछ नहीं किया है ना? मैं रोहित को वहां नहीं लेकर गया था मौली। What? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसकी जरूरत है, और मैं नहीं चाहता था कि वही ड्रामा बार बार क्रिएट हो। मौली तुम फिक्र मत करो, मैंने उनसे माफी मांग ली है और वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी नहीं करने वाले। और वो स्नेहा के एक चाचा जी हैं जो हमारे घर पे भी पहले आए थे, उन्हें नौकरी की जरूरत थी तो मैंने उन्हें डैड की रेस्टोरेंट में नौकरी भी ऑफर कर दी। तो अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक गॉड। ठीक है, हम ये बात चलकर घर पे बताते हैं और इसका डी एंड करते हैं। हाँ, चलो मेरे साथ। मौली, मौली, हम घर पर किसी को कुछ नहीं बताएंगे। घर पे क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बात खत्म करते हैं ना। नहीं, बात खत्म नहीं हुई है राहुल, सिर्फ स्नेहा की फैमिली का गुस्सा ठंडा हुआ है। हाँ ठीक है, रोहित को भी बचा लिया हमने, पर गोलू, हमें गोलू को भी तो बचाना है ना राहुल। तुमने सुना ना, अक्षय चाचू उसे किसी स्ट्रिक्ट स्कूल में भेजने वाले हैं। मैं अक्षय चाचू से बात कर लूंगा मौली, तुम फिक्र मत करो। वो नहीं मानने वाले हैं राहुल, और अब तो जानकी माँ ने भी उन्हें खुली फ्रीडम दे दी है कि वो गोलू के साथ जो भी करना चाहते वो कर सकते हैं। देखो, जब तक हम उन्हें सच नहीं बताएंगे वो नहीं रुकने वाले। ओके, नाउ आई गॉट इट। तुम घर पे इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि पापा उस पे भड़केंगे, है ना? राहुल प्लीज, यू डोंट वरी, मैं रोहित के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी उसके साथ। देखो,
मैं खुद पापा से पहले बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी, उसके बाद मैं अक्षय चाचू से बात करूंगी और उनको बताऊंगी कि गोलू ने कुछ गलत नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। स्टॉप मौली, मैं घर पे बात तुम्हारी वजह से नहीं बताना चाहता। मतलब मैं नहीं चाहता कि मॉम की नजरों में तुम फिर से गलत साबित हो जाओ। तुम ऑलरेडी उनकी बैड बुक्स में हो मौली। नहीं पार्टनर, नहीं। यस मॉम। मौली के भड़काने में अपने भाई की जिंदगी खराब करने जा रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब छोड़ और अपनी माँ की बात सुन। तू रोहित को माफी मंगवाने नहीं ले जाएगा और ना ही तो ये बात अपने डैड को या घर में किसी को भी बताएगा। मॉम भरोसा रखिए मुझ पर, मैं सब कुछ हैंडल करूँ। गलती रोहित ने की है तो माफी भी उसे मांगनी होगी। मैंने कहा ना, रोहित माफी मांगने नहीं जाएगा तो बस। अगर रोहित को कुछ हो गया ना तो सबसे पहले वो लड़की साइड में हो जाएगी, फंसेंगे हम सब, हमारा नाम खराब हो जाएगा। और अगर उन्होंने पुलिस को बुला लिया और रोहित को जेल में डाल दिया तो हम सब क्या करेंगे पता? मॉम आप ओवरथिंक करिए, रिलैक्स, मैं सब हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज इस तरह। देख रहा हूँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुझे अपनी माँ की बात मानकर अपने परिवार को बचाना है या चोरों का गुलाम बनके अपने ही घर में खुद आग लगानी है? अपनी माँ और अपनी बीवी में से किसी एक को चुन। मॉम आप इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम बात जितना बढ़ाओगी मॉम उतना ही इरिटेट होंगी और मैं बार बार उन्हें अपने प्यार का टेस्ट लेना नहीं देना चाहता, सो प्लीज अंडरस्टैंड। मौली अब क्या करेगी? अपने प्यार के लिए वो तन्वी की बात मान लेगी या सही का साथ देकर गोलू को इंसाफ दिलाएगी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.